अच्छा जोरो पॉइंट ही था क्या वो? ओ कल छोड़ा था मैंने एक लड़की को। एक मैं एक काम करता हूँ चाचा, देख के आता हूँ, मैं आपको करता हूँ वहाँ पर पहुँच के। जी चाचा, ओके। काश रोक लेते यार उसको। कहाँ जाना है मैडम? जोरा पॉइंट। जोरा पॉइंट? पर वो तो शहर के बाहर है और इस वक्त। तो तुमसे मतलब? जितना कह रही हो उतना करो। तुम्हारे जितना भाड़ा होगा उसे 500 रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है? सॉरी मैम, क्या है ना मैडम, अमूमन कोई वहाँ जाता नहीं है इस वक्त, तो इसलिए। पर ठीक है, चलिए। जाओ, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़की मेरे जैसे हाई सोसाइटी आदमी के लिए सूट भी नहीं करती। जाओ यहाँ से। Why are you so overreacting? Overreacting? मैं overreact कर रही हूँ राहुल? Don't you have shame to say this? You are my fiance and we are supposed to get married in next couple of days and you are having a bad with the secretary. But राहुल ने मेरे साथ सही नहीं किया। You know what? तुम एक एहसान फरामोश लड़की हो। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें इज्जत दी, अपनी जिंदगी में जगह दी और तुमसे शादी करने भी जा रहा था, और क्या चाहिए था तुम्हें? पर नहीं, तुम एक मिडिल क्लास लड़की थी, हो और रहोगी। अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी को लेके जाओ यहाँ से। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। जाओ, गो टू हेल। मैडम, मैडम सब ठीक तो है, आप रो क्यों रही है मैडम? मैं रो गया हंसू, तुमसे मतलब? तुम सीधा गाड़ी चलाओ। अगर मैं ऐसा कुछ करती ना तो तुम क्या करते? राहुल, दिस इज नॉट डन, ओके? ठीक है मैम, आई एम सॉरी। आपको एक बात बताऊं मैडम, आपको यूं रोता हुआ देखा तो मुझे मेरी बहन याद आ गई। बहुत रोया करती थी कभी कभी, पता नहीं क्यों, कभी बताया नहीं उसने। पर बहुत दुखी रहती थी, अगर मुझे बताती तो मैं कुछ करता। पर अपने 18वें जन्मदिन के कुछ ही दिनों बाद उसने फांसी लगा ली। उसके फांसी लगाने के गम में माँ भी बहुत दुखी रहने लगी, बहुत उदास रहने लगी। कुछ टाइम बाद माँ बहुत कमजोर हो गई और एकदम दुबली पतली, और कुछ सालों पहले वो भी मर गई। मैं जानना चाहता हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है, कितना प्यार करती थी मैं उसको, जान देती थी उसके लिए, मैं सब खत्म कर दिया उसको। हमारी शादी होने वाली थी, सगाई तक हो चुकी थी, पर उसने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। वो सिर्फ अपने वजह में था, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैं जीना नहीं चाहती।
इतनी सी बात के लिए आप अपनी जान देने चलिए। मैं मानता हूँ आपके साथ जो हुआ गलत हुआ, पर सुसाइड करना उसका इलाज नहीं है। आपने अपने माँ बाप के बारे में सोचा? उनका क्या होगा, वो भी तो आपसे प्यार करते होंगे ना। मुझे कुछ नहीं करना, मैं बस अब जीना नहीं चाहती। आप मेरी बात सुनिए, देखिए सुसाइड किसी भी बात का हल नहीं है। मुझे देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉम्पिटिशन्स देता रहा पर कहीं नौकरी नहीं। आपकी तरह सुसाइड करने का ख्याल मुझे भी कई बार आया, पर फैमिली का सोचकर भी हिम्मत नहीं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू की जाए, इसलिए मुंबई चला आया और टैक्सी चलाने लगा। प्लीज़ वापस चलिए। मैडम ज़ोरो पॉइंट आ गया। आपको क्या लगता है मैडम? जो भी अच्छा। ये अलग बात है, दिखाई न दे मगर शामिल जरूर होता है। खुदकुशी करने वाले का भी कोई ना कोई कातिल जरूर होता है।